हेलो फ्रेंड्स, देसी टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बैंगन फ्राई रिंग रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जिसको आप पैन फ्राई एग प्लांट रेसिपी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बैंगन लिया है और इसको अब हम आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से गोल गोल इसको मैं पीस में काट रही हूँ। तो बच्चों को ये बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा बनाना, तो बच्चे ज़रूर बैंगन खाना शुरू कर देंगे। तो बैंगन को मैंने इस तरह से काट लिया है, और ये मैं बीच में से अब जो ये बैंगन है इसको मैं इस तरह से काट कर चारों तरफ से, और मैं बीच में से इसको गोल आकार में काट दूंगी, रिंग की तरह मैं इसको शेप दूंगी, गोल सर्कल। बीच का जो मैं हिस्सा है इसका निकाल रही हूँ, और ये मैं इसको रिंग की तरह शेप दे रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से मैं सारे बैंगन को काट कर तैयार करूँगी। आमतौर पर आप देखेंगे बच्चे बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते, तो एक बार इस तरह से सब्ज़ी आप बना कर देखिएगा। घर में जो भी बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, बैंगन का भरता नहीं खाते हैं, एक बार इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा बैंगन ये रिंग्स बनाना। तो ये मैं दिखा रही हूँ एक और आपको काट कर, इस तरह से गोल सर्कल बनाते हुए आपको बीच का जो हिस्सा है इसे निकालना है, और ये ऐसे रिंग तैयार करने हैं। और ये मैंने पानी में एक एक रिंग डाल दिया है सारा, साथ साथ ही आप इसको रिंग को पानी में डालते जाएंगे। एक रिंग मैं आपको और दिखा रही हूँ बना के, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करते करते बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये मैंने सारे बैंगन इसमें भिगो दिए हैं, और मैं इसमें एक स्पून नमक का डाल रही हूँ, और अच्छे तरह से इस नमक के पानी में बैंगन को मैं मिक्स कर रही हूँ। चलिए अब इसमें फिंगर इस रिंग्स के बीच में भरने के लिए हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए जो हमने बीच में से बैंगन का गुदा, जो हमने बीच में से बैंगन काट के निकाला था, बीच का जो बैंगन का हिस्सा है उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। बैंगन को हम के बीच के हिस्से को हमको फेंकना ही नहीं है, वही हिस्सा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके साथ में टमाटर का, प्याज का, हरी मिर्च, अदरक, इन सब का यूज़ करूँगी। तो देखिए ये मैंने बैंगन के छोटे छोटे अंदर वाले जो पार्ट हैं उसके हिस्से कर दिए हैं, जितना बारीक आप कर सकते हैं आप काटिए इसको। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और बच्चों को शक्ल देखकर ही खाने का मन करने लगेगा। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ कमेंट दीजिए। और मैं जो भी इसमें डालती हूँ मसाले सब्जियाँ, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। दो हरी मिर्चें मैंने ली हैं, किसी भी जो भी मैं बनाने के लिए आपको सिखाती हूँ उसमें आपने मिर्च की कितना ज़्यादा आप खाते हैं उस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी घटा और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें दो मिर्चें हरी मिर्चें ली हैं, इसके साथ ही मैं दो टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तो टमाटर को भी बारीक बारीक काटना है, जितना आप बारीक काट पाएं। और इस तरह से मैंने टमाटर को बारीक बारीक काट दिया है। तो आज ही बाज़ार से बैंगन लाकर और इस डिश को ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली है। और रात के खाने में अपने घर में सबको ज़रूर खिलाइएगा, और आप इसको स्नैक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक प्याज ले लिया है बड़ा, वो भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। तो इस तरह से बारीक बारीक प्याज और बैंगन का गुदा जो अंदर का हमने निकाला था, और टमाटर,
और हरी मिर्च हमने काट के रेडी कर लिया है। ये सब हमने अच्छे से मिक्स किया है और इसमें अब मैं ये थोड़ा सा पनीर मिक्स कर रही हूँ। मेरा पनीर बहुत ही सॉफ्ट है तो मुझे उसे कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पनीर थोड़ा हार्ड है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पानी में, गर्म पानी में रख सकते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने कोरिएंडर, हरे धनिया का यूज़ किया है। और ये सब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उससे पहले मैंने इसमें एक चम्मच हल्दी का यूज़ किया है, उसके साथ ही एक चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला और ये मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। इसके साथ मैं इसमें चावल का आटा, एक बड़ा स्पून मैंने जो है चावल का आटा यूज़ किया है। आपके पास चावल का आटा ना हो घर में तो आप थोड़े से चावल को पीस कर और उसका बिल्कुल बारीक आटा बनाकर इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मेरा सारा मसाला उन रिंग्स के बीच में भरने का जो मसाला है ये रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा ये मैं इसमें देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। कुछ लोग इसमें, जो ये वेजिटेरियन डाइट है, जो अंडे का यूज़ करते हैं, अंडे भी खाते हैं, एग्स खाते हैं, तो घी की जगह वो इसमें 2 एग्स को तोड़कर और इसमें डालकर इसको रेडी कर सकते हैं। तो उसको वो ब्रिंजल आमलेट बुलाते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है दोनों में। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो पानी से निकाल कर मैंने बैंगन तैयार रखे थे, रिंग्स तैयार की थी, उसमें मैंने हल्की सी हल्दी चारों तरफ लगा दी है। तो चलिए, एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और अब हम उसमें रिंग्स भरना शुरू करेंगे। तो आप इसको बनाते टाइम जो लोग एग खाते हैं वो उसमें घी की जगह एग का यूज़ कर सकते हैं। डालते टाइम मैंने देसी घी डाला है, आप उसमें एग को तोड़ कर डाल सकते हैं और इसमें भरने के लिए उसकी ब्रिंजल आमलेट जिसको बोलते हैं वो आप इसको बना सकते हैं। बट मैं ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें एग का यूज़ नहीं किया, एग के बजाय मैंने देसी घी का यूज़ किया है। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका, अब ये बीच में हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं जो हमने बनाया है मसाला। इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से मसाले को भरना है। देखिए, अब मैं हाथ से ही मसाले को भर रही हूँ। तो ये देखिए, तो मैं सारे जो मैंने 5 से 6 रिंग्स लगा के तैयार किए हैं पकाने के लिए, ये मैंने भर दिए हैं। अब ये एक तरफ से पक गई हैं, चलिए पलट कर देखते हैं हमारा दूसरी कैसा हुआ है एक तरफ से। वाओ, तो ये एक तरफ से ये देखिए आप बनकर तैयार हैं। आप कम सेक में भी, कम ऑयल में भी इसको आप बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी मैंने यूज़ किया है आमलेट की, जो लोग एग का यूज़ करते हैं उसकी जगह मैंने देसी घी का यूज़ किया है। ये देखिए, तो हमारा बना जो है रिंग बनकर तैयार है एक। इसी तरह हम तेल निकालते हुए ये सारे रिंग्स बाहर निकाल देंगे और आप देखिए हमारी रिंग्स बनकर तैयार हैं बैंगन की। तो ये बच्चों को ज़रूर टेस्ट कराइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देने ना भूलें। कमेंट प्लीज़ देते रहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक शेयर कर सकूँ। ये देखिए, मेरे बैंगन के जो रिंग्स हैं वो बनकर तैयार हैं, जिसको आप स्टफ्ड बैंगन भी बोल सकते हैं, स्टफ्ड बैंगन, बैंगन आमलेट, लेकिन उसमें आपको एग का यूज़ करना है आमलेट में। मैंने विदाउट एग घी का यूज़ करके बनाया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।